दोस्तों चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में कुछ डॉक्टर्स झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के ब्लड टेस्ट ले रहे थे। तभी वो एक जगह पर जाकर के ब्लड टेस्ट लेते हैं और वहाँ से पूछते हैं कि आपके घर में जितने भी लोग थे क्या सबका ब्लड टेस्ट हो गया है। तो एक महिला कहती है कि नहीं, अभी एक मेरा जो बेटा है उसका ब्लड टेस्ट होना बाकी है और वो अभी बाथरूम में है। दोस्तों जब वो लड़का बाथरूम से इस बात को सुनता है तो वो ये प्रयास करता है कि ये डॉक्टर साहब चले जाएं, इसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगा। लेकिन जब डॉक्टर्स को ये बात पता चलती है तो वो आधा घंटे तक उसका इंतज़ार करते हैं कि वो कब निकलेगा और कब हम उसका ब्लड सैंपल लेंगे। दोस्तों बहुत देर हो जाती है, वो लड़का बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद उन डॉक्टर्स को ब्लड सैंपल देने के लिए आनाकानी करने लगता है, लेकिन डॉक्टर जब समझा बुझा करके उससे किसी भी तरह से ब्लड सैंपल ले लेते हैं और उसकी रिपोर्ट भेजते हैं। तो थोड़े दिन बाद एक बहुत बड़ा कांड खुलता है जिस कांड की तलाश पुलिस 12 साल से कर रही थी। आइए दोस्तों, क्या थी वो घटना, हम आपको विस्तार से और सिलसिलेवार तरीके से सुनाने का प्रयास करते हैं। हम जितनी भी कहानी आपको सुनाते हैं, हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि आपको सावधान रखें, सतर्क रखें और आप इन घटनाओं को सुनकर के जागरूक रहें। दोस्तों आज की घटना है चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में एक जगह है जिसका नाम है सेक्टर 38। वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम था नेहा, रात में कोचिंग इंस्टीट्यूट से छूटी और अपने घर को जाने के लिए स्कूटी पर सवार हुई और कोचिंग सेंटर से निकल पड़ी। दोस्तों रास्ते में हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। हल्की बूंदाबांदी होने के कारण उसने बस स्टैंड के पास एक टीन सेट पड़ा हुआ था, उस टीन सेट के नीचे जाकर के खड़ी हो गई और ये इंतज़ार करने लगी कि कब ये बारिश बंद होगी और जैसे ही बारिश बंद होगी मैं यहाँ से चली जाऊँगी और अपने घर पहुंच जाऊंगी। अगर मैं बारिश में जाऊंगी तो मेरा जो बैग है, मेरी जो कॉपियां हैं वो गीली हो जाएंगी। दोस्तों उसे खड़े हुए केवल 5 मिनट ही व्यतीत हुए थे कि थोड़ी देर बाद एक पत्थर आता है और वो पत्थर उसके सर से आकर के टकराता है। और जैसे ही दोस्तों पत्थर सर से आकर के टकराता है, वो लड़की वहीं पर गिर पड़ती है। गिरने के बाद बेहोश हो जाती है। एक व्यक्ति वहाँ पर आता है और उस लड़की को अपनी गोद में उठाता है और गोद में उठा करके उसे जंगल की तरफ ले जाता है। और जंगल की तरफ ले जाने के बाद उस लड़की के जिस्म से एक एक कपड़ा उतारता है और इसके बाद अपने दांतों के निशान हर जगह उस लड़की को अपने दांतों के निशान से काटता है और उसके साथ रेप करता है। दोस्तों जब वो ये काम कर ही रहा था, लगभग 10 बज चुके थे, तभी उसका लड़की का फ़ोन बजता है। और लड़की का फ़ोन बजता है तो वो फ़ोन उठाता है। उस तरफ से उसके पिता की आवाज़ थी कि बेटा तुम कहाँ पर हो और बहुत देर हो चुकी है, अभी तक तुम घर नहीं आए, हम लोग तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। दोस्तों वो लड़का कहता है कि आप आइए बस स्टैंड के पास, स्कूटी खड़ी है, आकर के खुद ही देख लीजिए। और इतना कह कर के वो फ़ोन काट देता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्त को उसके पिता पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस को सूचना देने के बाद वो कोचिंग सेंटर में जाते हैं और कोचिंग सेंटर में जाकर के ये पता लगाते हैं कि हमारी जो लड़की है वो कब कोचिंग सेंटर से निकली है। तो दोस्तों कोचिंग सेंटर वाले कहते हैं कि वो यहाँ से जा चुकी है और जैसे ही कोचिंग छूटी थी सभी बच्चों के साथ वो यहाँ से निकल चुकी थी। उसके जो सहपाठी थे, जो उसके साथ पढ़ने वाले थे, उनसे भी उसके पिता जाकर के पूछताछ करते हैं, लेकिन उसके हर जगह यही जवाब मिलता है कि मैंने इसको अंतिम बार बस स्टैंड के पास छोड़ा था। दोस्तों उसके पिता बस स्टैंड के पास आते हैं और अपनी बेटी की स्कूटी को खड़ा हुआ वहाँ देखते हैं तो घबरा जाते हैं। और ये भी देखते हैं कि जहाँ पर उस लड़की की स्कूटी खड़ी है, जहाँ पर उनकी बेटी की स्कूटी खड़ी है, वहाँ पर खून के कुछ धब्बे पड़े हुए हैं। दोस्तों जब उस लड़की को सर में पत्थर लगा था तो सर में पत्थर लगने की वजह से उसे चोट आ गई थी और चोट आने की वजह से उसका कुछ ब्लड वहाँ पर गिर गया था। दोस्तों उसके पिता जंगल की तरफ भागते हैं, पास में ही जंगल था, जंगल की तरफ भागते हैं और उस अपनी बेटी को आवाज़ देते हैं, नेहा नेहा, लेकिन वहाँ से कोई उत्तर वापस नहीं आता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें अपनी बेटी की लाश मिलती है और जैसे ही वो उस लाश की कंडीशन को देखते हैं, हैरान और परेशान हो जाते हैं। अपनी बेटी को अपने गोद में उठा करके हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, लेकिन दोस्तों जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि आपकी बेटी डेड है और इसके साथ रेप हुआ है। दोस्तों पुलिस आती है, पुलिस इस घटना की छानबीन करती है, मुकदमा दर्ज करती है और लगभग बहुत सारे लोग जो उसके कोचिंग संस्थान में पढ़ते थे, उसके जो दोस्त थे, उन सारे लोगों को उठाती है, उनसे पूछताछ करती है, उनका नार्को टेस्ट कराती है, उनकी ब्रेन मैपिंग करती है, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग नहीं लग पाता है। दोस्तों फॉरेंसिक टीम आती है घटनास्थल पर। घटनास्थल पर आने के बाद सबूतों को इकट्ठा करती है तो वहाँ के जो SSP है उनको बताती है कि साहब ये जो कातिल है, ये कातिल बहुत सातिर है और इसने कोई भी निशान नहीं छोड़ा है जिससे इसको पकड़ा जा सके।
लेकिन अगर किसी का ब्लड सैंपल या डीएनए मिल जाता है तो ब्लड सैंपल और डीएनए के आधार पर हम इस आरोपी को पकड़ सकते हैं। दोस्तों पुलिस बहुत सारे लोगों का डीएनए लेती है, पुलिस को जिन जिन लोगों पर शक था उन सब के ब्लड सैंपल और डीएनए को पुलिस लेती है, और जो छटे हुए बदमाश या गुंडे तत्व के लोग थे उस इलाके के उन सब को इकट्ठा करके उन सब के ब्लड सैंपल और डीएनए टेस्ट लगभग 500 लोगों का वो डीएनए टेस्ट लेती है, और उस डीएनए टेस्ट को जो फॉरेंसिक टीम थी उसके डीएनए टेस्ट से मैच कराती है तो कोई भी डीएनए मैच नहीं करता है। थक हार कर पुलिस अदालत में ये कहती है कि साहब इस मामले में हमको ना तो कोई सबूत मिला है और ना ही कोई गवाह मिला है, हमने इस मामले की पूरी तरीके से जांच पड़ताल की, हमने 500 लोगों के डीएनए टेस्ट भी किए लेकिन किसी का भी डीएनए इससे मैच नहीं कर रहा है और हम आरोपी को पकड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों जो अदालत थी वो भी इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है कि जब कभी किसका कोई पता चलेगा फिर से फाइल खुलती है तब देखा जाएगा, फिलहाल अभी पुलिस की जांच में ऐसा कुछ भी नहीं निकल करके आया है। दोस्तों इस घटना की समाप्ति यहीं पर हो जाती है, उसके माता पिता थक हार कर बेचारे बैठ जाते हैं, वो करते भी तो क्या करते। तभी दोस्तों एक घटना और घटती है 11 जनवरी 2022 को, लगभग 12 साल के बाद। ये जो घटना घटी थी नेहा के साथ ये घटना घटी थी 30 जुलाई 2010 को, और अब एक दूसरी घटना घटती है जिसका डेट है 11 जनवरी 2022। 11 जनवरी 2022 को एक दंपति अपने घर से निकलते हैं बाजार से सामान लेने के लिए, सर्दियों का समय था, दुकान पर जाकर के कहते हैं कि मुझे इतना सामान चाहिए। दोस्तों इतना सामान लेने के बाद जब बिल बनता है तो बिल लेने पर पता चलता है कि जितने पैसे का ये सामान है उतने पैसे उनके पास नहीं है। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम यहाँ पर 10 मिनट रुकना और मैं सामान लेकर के यहाँ पैसे लेकर के आ रहा हूँ, पास ही में मेरा भतीजा रहता है, मैं उससे पैसे लेकर के आपके पास थोड़ी ही देर में पहुँचता हूँ। उसकी पत्नी कहती है ठीक है, और दोस्तों वो दौड़ करके जाता है और 10 मिनट के अंदर पैसे लेकर के जैसे ही दुकान पर पहुँचता है तो दुकान पर पहुँचने के बाद वो ये देखता है कि उसकी पत्नी वहाँ पर नहीं है। दोस्तों वो दुकान के मालिक से पूछता है तो दुकान का मालिक कहता है कि भाभी जी तो यहाँ से चली गई हैं, और दोस्तों जो महिला थी उसकी उम्र लगभग 35 या 40 साल के आसपास रही होगी। दोस्तों उसका पति सोचता है कि हो सकता घर चली गई हो, जाकर के घर पर देखता है तो देखता है कि उस घर पर भी उसकी पत्नी वहाँ पर नहीं है। दोस्तों अब तो वो हैरान और परेशान हो जाता है, उसकी सूचना पुलिस को देता है, पुलिस उस मामले की छानबीन करती है और पुलिस पास के ही जंगल में उस जब ढूंढती है तो पुलिस ये पाती है कि एक डेड बॉडी जिसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं है और पूरे शरीर पर दांतों के निशान हैं, एक डेड बॉडी पड़ी है। वो उस व्यक्ति को फ़ोन करती है, फ़ोन करके बताती है कि यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है, आइए इसकी शिनाख्त करिए। वो पति आता है और देखता है कि ये उसकी पत्नी की ही डेड बॉडी थी। दोस्तों फॉरेंसिक टीम आती है, फॉरेंसिक टीम आकर के उन सबूतों को इकट्ठा करती है तो फॉरेंसिक टीम को 2010 में जो नेहा के साथ घटना घटी थी सेम वैसी ही घटना इस महिला के साथ भी घटी हुई दिखाई देती है। इसके भी शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था और इसके पूरे जिस्म में दांतों के काटने के निशान थे। दोस्तों फॉरेंसिक टीम को ये याद आता है कि ये घटना सेम एज 2010 के जैसी है, और जिस घटना इस घटना को 2010 में जिस व्यक्ति ने अंजाम दिया था उसी व्यक्ति ने इस घटना को भी अंजाम दिया है। तो फॉरेंसिक टीम वहाँ के SSP को एक पत्र लिखती है और बताती है कि साहब इस कातिल को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप इस कातिल को नहीं पकड़ते हो तो ये घटनाएँ रुकेंगी नहीं और फिर से एक घटना दोहराई जा सकती है। दोस्तों वहाँ के जो SSP थे इस बात को गंभीरता से लेते हैं और एक टीम नियुक्त करते हैं और उस टीम में कुछ तेज तर्रार अधिकारी को भी रखते हैं और उनसे ये कहते हैं कि मुझे हर हाल में इस व्यक्ति की तलाश चाहिए, मुझे हर हाल में कातिल का पता चाहिए, मुझे हर हाल में कातिल किसी भी तरीके से चाहिए ही चाहिए। दोस्तों पुलिस के पास 500 लोगों के सैंपल तो पहले से ही थे, जैसा कि मैंने आपको बताया जो कातिल था वो बहुत शातिर था, कोई भी सबूत नहीं छोड़ रहा था। दोस्तों पुलिस कहती है कि यहाँ आसपास में जितने भी ऑटो वाले हैं, जितने भी ठिलिया लगाने वाले हैं, जितने भी मजदूर हैं, जितने भी लोग किराए पर रहते हैं, जितने भी लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, ऐसे सभी लोगों का सैंपल कलेक्ट किया जाए और उन सैंपल का DNA टेस्ट कराया जाए तो शायद कातिल पकड़ में आ जाए। दोस्तों पुलिस लगभग 800 लोगों का सैंपल कलेक्ट करती है। दोस्तों पुलिस जिस घर में जाती तो वो एक प्राथमिकता देती थी कि अगर वहाँ पर कोई महिला है, अगर उसका ब्लड सैंपल नहीं लिया जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ का कोई भी पुरुष छूटना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही दोस्तों चंडीगढ़ के सेक्टर 38 के पास जब पुलिस पहुँचती है
तो सेक्टर 38 के पास पहुंचने के बाद एक झुग्गी बनी हुई थी, बहुत सारी झुग्गियां बनी थी जिसमें से एक झुग्गी में पुलिस पहुंचती है। पुलिस ने डॉक्टर का बेस बनाया हुआ था और डॉक्टर का बेस बना करके जगह जगह जाकर के वो ब्लड के सैंपल कलेक्ट कर रहे थे। वहाँ पर जाते हैं, घर में प्रवेश करते हैं, घर में प्रवेश करने के बाद सभी लोगों का ब्लड सैंपल ले लेते हैं और कहते हैं कि एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है, मैं आपका ब्लड सैंपल लेकर के जाऊंगा, उसकी जांच करूंगा, अगर आपको बीमारी पाई जाती है तो आपका फ्री इलाज होगा। तो दोस्तों उनमें से जब सबका ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है तो पुलिस की टीम जो डॉक्टरों के बेस में थी वो पूछती है कि आपके घर में कोई और तो नहीं है जिसका ब्लड सैंपल अभी हमने ना लिया हो। तब की माँ कहती है कि हमारा एक बेटा है जिसका नाम मोनू है, वो अभी वॉशरूम में गया है और थोड़ी देर बाद जब वो आ जाएगा तो आप उसका ब्लड सैंपल ले सकते हैं। दोस्तों जब वो इस तरीके की बात कहती है तो पुलिस की टीम वहां पर रुक जाती है जो डॉक्टरों के बेस में थी, लेकिन मोनू जब इस तरीके की बातचीत को सुनता है तो वो वॉशरूम में ही बैठा रहता है और ये सोचता है कि डॉक्टर्स चले जाएं तब वो वहां पर बाहर निकले, लेकिन दोस्तों वो डॉक्टर्स नहीं जाते हैं, अगर डॉक्टर होते तो वास्तव में चले जाते, लेकिन वो पुलिस वाले थे और पुलिस वालों का काम ही है कि पहले शक करना और शक के बाद उसको हकीकत में बदलना। दोस्तों पुलिस वालों को शक हो जाता है, इसके बाद वो मोनू के आने का इंतजार करते हैं और इंतजार करने में लगभग 30 मिनट हो जाते हैं। 30 मिनट के बाद मोनू घर वॉशरूम से बाहर आता है और ब्लड सैंपल देने में आनाकानी करता है। पुलिस वाले उसे समझाते हैं, डॉक्टर उसे समझाते हैं कि बेटा तुम 2 मिनट का काम है, ब्लड सैंपल दे दो, बीमारियां फैल रही हैं, इसके बाद तुम्हें जहाँ जाना हो चले जाना। दोस्तों बड़ी मिन्नतें और बड़ा समझाने के बाद वो व्यक्ति मानता है और मानने के बाद ब्लड सैंपल दे देता है। दोस्तों उन ब्लड सैंपल को लैब में भेजा जाता है, लैब में भेज करके रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट आती है तो जब रिपोर्ट आती है तो जो लड़का था जिसका नाम मोनू था उसकी रिपोर्ट वो जो महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था उसके रिपोर्ट से मैच करती थी। अब पुलिस वालों को यकीन हो गया था कि इन दोनों घटनाओं का जो कातिल है वो वही मोनू है। इसके बाद दोस्तों पुलिस की टीम जो डॉक्टरों के बेस में थी अपने असली बेस में सेक्टर 38 के पास जो झुग्गी थी वहां पर पहुंचती है तो मोनू देखते ही पहचान जाता है कि वही डॉक्टर है अब जो पुलिस के बेस में आए हुए हैं। दोस्तों वो अपनी माँ से कहता है कि माँ आज तेरे हाथों की अंतिम बार मुझे रोटी खानी है, इसके बाद हो सकता है कि मैं कभी भी तुम्हारे हाथों की रोटी ना खा पाऊँ। दोस्तों जब इस तरीके की बातचीत पुलिस सुनती है तो वो उसको मौका देती है कि ठीक है तुम रोटी खा सकते हो, और इसके बाद रोटी खाने के बाद उसकी माँ ने रोटी बनाई, उसने खाई, इसके बाद सारा मामला पुलिस ने बताया और उसको गिरफ्तार करके अदालत में ले आई और अदालत के सामने उसको पेश किया, कहा साहब ये वही है जिसने इन दोनों घटनाओं को अंजाम दिया था। इसके बाद दोस्तों अदालत उसे जेल भेज देती। वहां के जो SSP थे उन्होंने ये बताया कि इस व्यक्ति के खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई होकर इसको फांसी के तख्ते तक पहुंचाना है। दोस्तों हमारा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल और केवल ये था कि आपको जागरूक करें, सतर्क करें। अब वो व्यक्ति दोषी है या नहीं है ये तो अदालत तय करेगी, लेकिन जिसने भी इन घटनाओं को अंजाम दिया, लोगों ने जब इस घटना के बारे में जानकारी हुई और कातिल पकड़ा गया तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो अपनी सुरक्षा के प्रति बड़े जागरूक हो गए। तो हमने इस कहानी को आपको इसलिए सुनाया ताकि आप भी जागरूक रहें। यदि आपकी भी बहन और बेटी रात में लेट होती है तो आप बिना देर किए हुए उसे संपर्क करें ताकि आप इन होने वाली घटनाओं से बच जाएं। आप सावधान रहें, सतर्क रहें। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैंने आपको ये कहानी सुनाई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।